अब अपन देख रहे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अमीन्स यहाँ पे ठीक है सो दिस इज बेसिकली लास्ट पोर्शन ऑफ अमीन्स ठीक है तो ये अपना हो जाएगा आज ओके अमीन्स ये टॉपिक सो सबसे पहले देखो सोलिबिलिटी टेस्ट ठीक है अमीन्स कैसे होते हैं बेसिक दीज आर बेसिक कंपाउंड ओके सो इट मेक्स सेंस कि दे आर एक्चुअली गोइंग टू बी सोल्यूबल इन एसिडिक एसिडिक सोल्यूशन एंड नॉट सोलियुबल इन बेसिक सोल्यूशन बराबर है और इसका यूज अपन बाद में करने वाले भी है बेसिकली जो लो मॉलिकुलर वेट अमीन्स होते हैं अप टू अबाउट फाइव कार्बन और उससे छोटे वाले जो अमीन्स हैं दे आर एक्चुअली सोलियुबल इन वाटर और आई रिम्बर अगर प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन्स है दे कैन एक्चुअली मेक हाइड्रोजन बॉन्स एंड बिकॉज ऑफ दोज हाइड्रोजन बॉन्स दे कैन भी सोलबलाइज्ड इन वाटर लेकिन ओनली स्मॉलर अमीन्स लो मोलिक्यूलोबेट अमीन्स ओके बड़े वाले अमीन्स दे आर नॉट गोइंग टू भी सोलिबल अमीन्स दैट आर इन्सोल्यूबल ओके दे आर गोइंग टू भी इन सोलिबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एंड दे आर गोइंग टू भी सोल्यूबल इन एच सी एल सोल्यूशन समझ में यहाँ पे सोल्यूशन एच सी एल सोल्यूशन में सोलिबलाइज हो रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में सोल्यूबलाइज नहीं हो रहा है और छोटे अमीन्स जो है वो सोल्यूबल होते हैं इन एक्ट सोल्यूशन ओके so yeah i think this is a uh, uh, logical solubility test upon kar quickly if it dissolves in sodium hydroxide uh, sorry if it dissolves if it dissolves in hcl solution acidic solution it is and uh, it could be basic compound right and doesn't dissolve then it's a, a definitely a basic compound agar basic uh, solution may dissolve solution it definitely is a basic uh, so compound next is carbilamine test okay? सो so, कार्बिल जो टेस्ट है ये प्राइमरी एमीन्स को डिटेक्ट करने में यूज़ करते हैं ये रिएक्शन अपन ने ऑलरेडी देख चुके हैं कार्बिल रिएक्शन इफ़ यू रिमेंबर दैट इसमें आइसोसाइनाइड मिलता है अपने को विच इज़ आर एन सी ठीक है ये अपने को मिलता है इसमें जो रिएजेंट अपन यूज़ करते हैं कार्बिल के लिए के ओ एच सी एच सी एल थ्री रिमेंबर अपन ने बताया था कार्बीस इनसे कार्बीन याज ए इंटरमीडिएट बनता है और ये इंटरमीडिएट फिर प्राइमरी uh, अमीन के साथ रिएक्ट होके आइसोसाइनाइड बनाता है विच इज़ दिस ठीक है और फिर इसको अपन रिड्यूस करते हैं एंड वी गेट सेकेंडरी अमीन रिमेंबर दैट तो अपन ने कार्बेल अमीन टेस्ट देखा था टू कन्वर्ट प्राइमरी अमीन इं टू सेकेंड्री अमीन और सेकेंडरी अमीन जो अपने को मिलते हैं दीज आर बेसिकली मिथिलअमीन्स मिथिलअमीन्स ही अपने को मिलते हैं तो इसको अपन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि आइसोसाइनाइड जो है इनका एक स्पेसिफिक स्मेल होता है ओके दे आर नोटोरियस फॉर फाउल स्मेल खराब स्मेल के लिए दे आर नोटोरियस आइसोसाइनाइट ठीक है इनफैक्ट दे कैन बी यूज एज अ क्राउड डिस्पर्सिंग बॉम्ब वॉम करके भी इनको यूज किया जा सकता है बिकॉज दे स्मेल रियली बैड ओके नो बडी वॉन्ट्स टू बी क्लोज टू दिस कंपाउंड्स समझ में आया ना फ्रेगरेंस एक्सपर्ट जो है लुकाटोरिन ओके दिस गाय इज अ एक्सपर्ट इन फ्रेगरेंसेस इसने बोला है आइसोसाइनाइड्स आर बेसिकली द गॉडजिला ऑफ सेंट समझ में आया क्या बहुत एप्टली उसने डिस्क्राइब किया है इसको आइसोसाइनाइड आर गॉडजिला ऑफ सेंट ओके देर इज़ अनदर गाय कॉल्ड एज इवार उगी ठीक है उगी रिएक्शन जिसके ऊपर नाम रिएक्शन दिया है उगी रिएक्शन uh, है उसके नाम पे इवार उगी ही वर्क विथ आइसोसाइनाइड और उसने डिस्क्राइब किया है आइसोसाइनाइड के सेल स्मेल को हाईली पेनिट्रेटिंग एक्सक्रूशिएटिंगली नॉशिएटिंग ओके डिस्टर्बिंग इस तरह से उसने डिस्क्राइब किया है उसको नॉशिएटिंग एक्सक्रूशिटली पेनिट्रेटिंग मतलब कि uh, दिमाग में बैठ जाते है ये स्मेल इतना ख़राब स्मेल होता है ये एंड नॉशिएटिंग मतलब इमिजिएटली यू फील नॉशिया और यू फील लाइक यू वॉन्ट अ थ्रो अप वोमिटिंग जैसा फील होगा दैट्स हाउ द स्मेल्स ऑफ दीज कंपाउंडस आर ओके सो ऑबियसली आई डोंट नो की वन शुड यूज़ दिस एज अइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर अमीन बट बिकॉज यू आर यू आर प्रॉबली गोइंग टू बी यूजिंग यू आर डूइंग दिस रिएक्शन ओके तुम्हारे पास अननोन कंपाउंड है और उसको आइडेंटिफाई करना है ये अमीन है या नहीं है ओके बेसिकली यू आर बेसिकली आइडेंटिफाइंग प्राइमरी अमीन यहाँ पे बराबर है ना प्राइमरी अमीन ही आइडेंटिफाई कर सकते क्योंकि प्राइमरी अमीन ही तुमको आइसोसाइनाइड देगा तो यू विल बेसिकली टेक अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इट सो इट शुड बी बेयरेबल आई 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 बिलीव इट शुड भी बेयरेबल जो स्मेल आता है दैट शुड भी बेयरेबल ओके सो यू टेक प्राइमरी अमीन एंड रिएक्टेड विथ क्लोरोफॉम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ओके एंड वॉट यू गेट इज असोसाइनाइट दैट्स इट राइट एंड देन इसके पहले अपन ने क्या देखा था कि इसको अपन रिड्यूस करते हैं यूजिंग वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हो एच टू पी डी भी यूज कर सकते हो यू गेट मिथिल अमीन मिथिल सेकेंडरी अमीन या सो एसोसाइनाइट रिएक्शन विथ aniline भी इसी तरह से होता है वी गेट आइसोसाइनाइड औरड औरटिक आइसोसाइनाइट का जो स्मेल है इट इज़ नॉट दैट पावरफुल इसलिए क्योंकि दे आर लेस वोला टाइल ओके एलिफेटिक जो होते हैं ज़्यादा वोलाटाइल होते तो इनका स्मेल फटाक से आता है ज़्यादा आता है स्ट्रॉन्ग आता है औरटिक आइसोसाइनाइड का स्मेल थोड़ा सा वीक होता है ओके रिमेंबर दैट सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन डो नॉट रिएक्ट विद द सोल्यूशन टू गिव आइसोसाइड माइट तो ये सेकेंडरी और टर्शरी के लिए अपन यूज़ नहीं कर सकते सिर्फ प्राइमरी अमीन इसे अपन डिटेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट इज़ हिंसबर्ग टेस्ट हिंसबर्ग टेस्ट जो है अपन यूज़ कर सकते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी मीन इसको अपन सेपरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ओके तब तीनों टाइप के अमीन के लिए अपन ये यूज़ कर सकते हैं हिंसबर्ग टेस्ट अपन ने इसके पहले देखा है मैंने तुमको तो बताया भी था हिंसबर्ग रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ये अपन ने यूज़ किया है रिएक्शन इसके पहले रिएक्शन देखो किस तरह से की जाती है थोड़ी ट्रिकी रिएक्शन है ध्यान में रखने के लिए एटलीस्ट इनिशियली ये थोड़ा सा ट्रिकी लगता है बट वंस यू नो इट दैन इट्स नॉट दैट ट्रिकी ठीक है तो टेस्ट को दो स्टेजेस में किया जाता है सबसे पहले तो जो अपना अमीन है ठीक है अमीन जो है उसको बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अपन रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐसा कोई बेस लेते हैं और इसको अपन रिएक्ट करते हैं उसके साथ ठीक है उसके बाद वी डू एन ऑब्जर्वेशन ठीक है तो जो भी कंपाउंड मिलता है रिमेंबर अपन ने देखा है सल्फोनामाइड अपने को मिलता है जब अपन अमीन्स को बेंजीन सल्फोनामाइड सॉरी बेंजीन सल्फोनल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वी गेट सल्फोनामाइड ठीक है सो बेसिकली मेक एन ऑब्जर्वेशन ऑन वॉट टाइप ऑफ सल्फोनामाइड वी एक्चुअली फॉर्म ठीक है सो so अगर प्राइमरी अमीन अगर है अपना अननोन कंपाउंड अगर प्राइमरी है सो वी कैन गेट अ क्लियर सोल्यूशन तो अपने को सोल्यूशन मिलेगा बेसिकली अगर सेकेंडरी अमीन है तो वी गेट अ समसॉर्ट ऑफ प्रिसिपिटेट ओके एक प्रिसिपिटेट मिलेगा अपने को उसमें और अगर टर्शरी अमीन है तो देर इज़ नो रिएक्शन टर्शरी अमीन बेंजिन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट नहीं होता है सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी ही रिएक्ट होता है तो जब प्राइमरी अगर रिएक्ट हो रहा है बेनजिन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ ओके okay? तो बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड प्लस प्राइमरी अमीन तो अपने को क्या मिल रहा है क्लियर सोल्यूशन ओके और अगर सेकेंडरी लेते हैं अपन सेकेंडरी तो अपने को क्या मिलेगा प्रिसिपिटेट मिलेगा और टर्स तो रिएक्ट ही नहीं होता तो देर इज़ नॉट गोइंग टू तो बी एनी चेंज इन द रिएक्शन यू शुड सी टू डिफरेंट सोल्यूशंस क्लियर है क्या तो एक बार ये हो गया अपना उसके बाद वी टेक द सोल्यूशंस जो अपने को सोल्यूशन्स मिले हैं उसमें अपन सोडियम सॉरी एच सी ऐड करते हैं ठीक है तो पहले इसमें अपन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया था देखो जो ये प्राइमरी अमीन है तो या फिर जो भी अमीन है ठीक है ना उसमें अपन ने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया तो अपने को क्या मिला डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज़ प्राइमरी सेकेंडरी ऑटर चलिए अपने को अलग अलग सोल्यूशंस मिलेंगे अब मैं वो सोल्यूशन लूँगा और उसमें फिर सेकंड स्टेप में एच सी एल ऐड करूँगा ठीक है तो सेकेंड इसमें क्या कर रहा हूँ मैं मिक्सचर ऑफ इट्स इट्स एसिडिफाइड एच सी एल सोल्यूशन अपन इसमें ऐड करते हैं ठीक है ना अगर प्राइमरी है तो ये सोल्यूशन जो क्लियर सोल्यूशन था वो अब अप्रिसिपिटेड दिखाएगा समझ में आया पहले इसमें अपने को क्या होता प्राइमरी अमीन अपने को क्लियर सोल्यूशन दे रहा था उसमें मैंने एच सी एल ऐड किया रहा तो ये प्रिसिपिटेड दिखा रहा है देखो यहाँ पे जैसे दिख रहा है तुमको तो ये प्राइमरी अमीन है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है ये दो सौ रिएजेंट्स अपन रिएक्ट कर रहे हैं इसको सो वी गेट अ सॉल्ट अ सॉल्ट मिलता है सॉल्ट इज सोल्यूबल इन एक्ूएट सोल्यूशन ठीक है इसलिए अपने को क्या मिल रहा है क्लियर सोल्यूशन क्लियर सोल्यूशन मिलेगा अब उसमें मैंने एच सी एल ऐड किया एच सी एल ऐड किया तो ये जो सॉल्ट है ये कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है जब कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है इट बिकम्स इन सोल्यूबल इन एक्स सोल्यूशन तो अपने को प्रिसिपिटेट मिल रहा है ठीक है तो पहले इसमें अपने को पता चला कि ये अमीन प्राइमरी अमीन हो सकता है जैसे ही मैंने एच ऐड किया और मेरे को प्रिसिपिटेट मिला तो ये कन्फर्मेटरी टेस्ट हो कन्फर्मेशन हो गया कि अपना अननोन कैसा था प्राइमरी ठीक है तो प्राइमरी अमीन I mean, जो सोल्यूशन था अपना पहले स्टेप का वो प्रिसिपिटेड दिखाता है सेकेंडरी अमीन जिसमें प्रिसिपिटेड था देर इज नो चेंज फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप इट स्टेज एज प्रिसिपिटेड देर इज नो चेंज इन इट ओके और थर्ड टर्शरी सोल्यूशन जिसमें चेंज नहीं था बिकॉज टर्शरी अमीन रिएक्ट ही नहीं हुआ जब इसमें मैं एच सी एल एड करता हूँ तो वी गेट अ क्लियर सोल्यूशन इसमें अपने को अभी सिंगल लेयर दिखेगा एक क्लियर सोल्यूशन दिखेगा सो so, इस तरह से अपन ये करते तो ये प्राइमरी अमीन का रिएक्शन इस तरह से है ओके okay, पहले अपने को सोल्यूबल मिल रहा है और सेकंड इसमें अपने को प्रिसिपिटेट मिल रहा है ओके okay? और सेकेंडरी अमीन अगर लेते अपन दिस इज अ सेकेंडरी अमीन बेनजिन सल्फोनी क्लोराइड एन इसके साथ रिएक्ट किया तो वी गेट अ सल्फोनामाइड विच इज इट कैनॉट फॉर्म अ सॉल्ट इसमें सॉल्ट नहीं बन सकता इसलिए इट इज़ इन सोल्यूबल इन दोल्यूशन ठीक है तो ये प्रिसिपिटेड मिलेगा मेरे को यहाँ पे सेकेंडरी अमाइड का ठीक है ना सल्फोनामाइड एंड देन इसमें एच सी एल एड कर रहा था दर इज नो चेंज ओके एंड इट इज स्टिल गोइंग टू बी इनसोलिबल और राइट और फिर टर्शरी अमीन देखो क्या हो रहा है टर्शरी अमीन में ये तो रिएक्ट ही नहीं होता ना बेनजिन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ इजेंट इट टर्शरी अमीन प्लस बेंजिन सल्फोनिल क्लोराइड नो रिएक्शन यू कैन सी दोनों रिएजेंट वैसे के वैसे ही है तो टर्शरी अमीन अभी भी इस सोल्यूशन में है सो वी सी नो रिएक्शन वी सी नो चेंज इन द फर्स्ट सेकंड स्टेप में अपन क्या कर रहे हैं उसमें एच ऐड कर रहे हैं अब टर्शरी अमीन प्लस एच ये रिएक्ट होंगे और ये सॉल्ट बनाते हैं विच इज एक्चुअली सोल्यूबल तो आपने को क्या मिलेगा अभी क्लियर सोल्यूशन मिलेगा तो ये जो तीन स्टेप्स uh, है इसके मतलब प्राइमरी uh, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ये तुमको अच्छे से मालूम होना चाहिए ये अपन फॉर सिंथसिस ऑफ सल्फोनामाइंड में भी यूज करते हैं ठीक है ना रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी आई मीन इसमें भी अपन ने डिस्कस किया है और आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी आई मीन इसमें भी इसको यूज करते हैं ठीक है ये इस तरह से दिख रहा है रिएजेंट ठीक है देखो आफ्टर सेकेंड स्टेप ओके दिस इज प्राइमरी दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज टर्सरी टर्शरी देखो क्लियर हो गया ओके प्राइमरी okay? में फर्स्ट स्टेप के फर्स्ट स्टेप इट वॉज क्लियर सेकंड स्टेप में प्रिसिपिटेट आया है और सेकेंडरी में पहले स्टेप में भी प्रिसिपिटेट था सेकंड स्टेप के आफ्टर भी प्रिसिपिटेट था सो पहले दो टेस्ट ट्यूब में देर इज अ प्रिसिपिटेट, थर्ड टेस्ट ट्यूब में देर इज अ क्लियर सोल्यूशन ओके सो दिस इज वॉट यू गेट आफ्टर सेकेंड स्टेप शुड नॉट भी एनी कन्फ्यूजन या अगर कोई डाउट है तो पूछो तो मैं इसको और uh, अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ बट आई थिंक अगर डाउट नहीं है इट्स डिपेंड्स आई डोट नोफ इट इज़ परफेक्टली क्लियर नॉट यू नीड टू लेट मी नो क्लियर है या नहीं है नेक्स्ट रिएजेंट ओके नेक्स्ट टेस्ट जो है अपना दैट इज़ हॉफ मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन ओके कौन सी रिएक्शन है हॉफ मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन दैट इज ऑल्सो यूज एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी अमीन प्राइमरी अमीन के लिए ही अपन ये यूज करते हैं ओके मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन ठीक है okay? reaction, बताता हूँ मैं इसका मतलब क्या होता है तो यहाँ पे अपन प्राइमरी अमीन रहते हैं और इसको कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं ओके सो व्हाट वी गेट इज इनिशियली डाई थायोकार्बामेट ठीक है okay? so थायो ये मिलता है सेकंड स्टेप में इसको एच जी सी एल टू के साथ रिएक्ट करते हैं एंड व्हाट वी गेट इज अल्कील आइसोथायोसाइनेट ठीक है अल्कील आइसोथायोसाइनेट दिस एक्चुअली हैज़ अ स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल मस्टर्ड के जैसा स्मेल आता है इसका मस्टर्ड ऑयल का जो स्मेल होता है ना मस्टर्ड ऑयल का जो स्मेल होता है उसके जैसा इसका स्मेल आता है ओके एट द सेम टाइम यू ऑल्सो गेट ब्लैक प्रिसिपिटेट ऑफ एच तो इसको भी तुम यूज़ कर सकते हो फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी अमीन ठीक है ब्लैक प्रिसिपिटेट मिलता है मर्क्यूरी uh, सल्फाइड uh, uh, का तो ये भी तुमको देगा ठीक है ना सो दैट्स बेसिकली द रिएक्शन ओके यू टेक अ प्राइमरी अमीन ठीक है उसको अपन पहले स्टेप में कार्बन डाइसल्फाइड वी गेट दाइ थी कार्बामेट इसको कार्बामेट बोल रहे हैं अपन then it is reacted with H2C uh, hgcl2 and what we get is alkyl isothiocyanate which is the mustard uh, oil smell compound okay and then HGS okay ye do compound अपने को मिल रहे next jo apan dekh rahe that is basically separation of primary secondary and tertiary amine okay ye तीन अगर mixture है तीन compound का अगर mixture है primary secondary and tertiary तो इसको अपन separate कैसा करेंगे primary secondary tertiary को ठीक है सो एक तो मेथड है डिस्टिलेशन ओके दैट इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ डिस्ट सेपरेटिंग कंपाउंड क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा डिफरेंट बराबर है दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट तो वी कैन डू अ डिस्टिलेशन ये किस तरह का डिस्टिलेशन है सिंपल है या फ्रैक्शनल है सो ये हो गया अपना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ठीक है सो दे ये फ्रैक्शन कॉलम है ये अपना कंडेंसर है ओके दिस इज द राउंड बॉटम फ्लास जिसमें अपना कंपाउंड है इसको हीट करते हैं तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम अलग अलग फ्रैक्शन बनाता है जो सबसे ज़्यादा वोलाटाइल फ्रैक्शन है वो पहले डिस्टिल होता है उसके बाद सेकेंड और थर्ड इस तरह से आएगा ठीक है निस पर्टिकुलर रिव्यू क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग इज अ मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन बताओ ओके सोल्यूशन देख लो इसका मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था जिसमें अपन कार्बन डाइसल्फाइड पहली स्टेप में यूज़ करते हैं ओके डायथायो कार्बामेट अपने को मिलता है और फिर एच जी सी एल टू यूज़ करते हैं आइसोथायोसाइनेट जो मिलता है अपने को दैट इज कॉल्ड एज मस्टर्ड ऑयल एच जी सी एल टू यूज़ करते हैं अपन सेकंड स्टेप में जिसमें अपने को अल्किल आइसोथायोसाइनेट मिलता है विच इज़ द मस्टर्ड ऑयल ठीक है ना नेक्स्ट जो जो प्रोसेस है फॉर सेपरेशन दैट इज़ हॉफमनस मेथड ठीक है हॉफम्स मेथड है दिस इज़ नथिंग टू डू विद द हॉफमन रिएक्शन ध्यान में रखना ठीक है दिस इज़ वेरी डिफरेंट ये हॉफमन की एक अलग मेथड है फॉर सेपरेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स इसमें अपन क्या करते हैं जो भी अपना अमीन का मिक्सचर है उनको अपन रिएक्ट करते हैं विथ डाईथिल ऑक्साइलेट दैट इज ड्यूअर डाईथिल ऑक्जेलेट ठीक है इट इज बेसिकली ए डाइस्टर क्या है ये डा एस्टर है ठीक है ना डाईस्टर के जैसा ही दिख रहा है ऑक्सालाइट so ये ऑक्सैलिक एसिड का एस्टर है ऑक्जेलिक एसिड होता है सी ओ ओ एच सी ओ ओ एच दैट इज ऑक्जेलिक एसिड इसका एस्टर बना दिया आपने डाइस्टर सो वी गेट डाइथो ऑक्जेलेट ठीक है और अगर आ, मान लो कि प्राइमरी अमीन है तो क्या होगा अगर प्राइमरी अमीन है तो ये जो आ, NH ग्रुप है ठीक है ना ये इसके साथ रिएक्ट होगा दोनों के साथ ठीक है तो अपने को अमाइड मिलेगा डाई एस्टर था एस्टर और अमीन को अगर रिएक्ट करते अपने को अमाइड मिलता है तो ये हो गया डाई अल्किल ऑक्जामाइड दिस इज बेसिकली अ डाई अमाइड समझ में आ रहा है ना एंड दिस इज एक्चुअली अ सॉलिड ओके ये सॉल्यूबल नहीं होता है सोल्यूशन में वॉट वी गेट इज अ सॉलिड मतलब प्राइमरी अमीन अपने को डाई अल्किल ऑक्जामाइड दे रहा है विच इज़ अ सॉलिड इन नेचर ठीक है इन इन नेचर सेकेंडरी अमीन जो है ओके इट रिएक्ट्स विथ डाइथिल ऑगजेलेट ओके और अपने को ये मिलता है कंपाउंड ओके okay. ये सिर्फ एक ही एक ही के साथ रिएक्ट होता है दोनों के साथ रिएक्ट नहीं होता है सो ये डाई अल्कि्किल ऑक्जामिक एस्टर ठीक है ये मोनो एस्टर मिल रहा है अपने को मोनोअमाइड और मोनो एस्टर डाइअल्किल ऑग्जेमिक एस्टर मिल गया दैट इज़ अ लिक्विड समझ में आया सो प्राइमरी अमीन अपने को सॉलिड दे रहा है सेकेंडरी अमीन ये सेकेंडरी अमीन अपने को लिक्विड दे रहा है ठीक है तो ये तुमको कंपाउंड्स ध्यान में रखने हैं इस केस में डायमाइड मिल रहा है इस केस में मोनोमाइड के मोनोमाइड एंड मोनो एस्टर एस्टर ग्रुप भी अमाइड ग्रुप भी है इसमें एंड देन टर्शरी अमीन देर इज नो रिएक्शन विद टर्शरी अमीन तो इट रिएक्ट इट स्टेज एज इट इज अमीन सर बेसिकली लिक्विड इज एंट इट ये अगर हायर मोलिकुलर है तो लिक्विड रहेंगे सो दे आर लिक्विड सो इट विल बेसिकली स्टे एज लिक्विड ओके सो so, प्राइमरी अपने को सॉलिड दे रहा है सेकेंडरी लिक्विड बना रहा है ऑक्जेमिक एस्टर बना रहा है और टर्शरी जो है वो रिएक्ट ही नहीं हो रहा है इट इज़ ऑल्सो स्टेइंग एज ए लिक्विड तो अपन क्या कर सकते हैं फिल्ट्रेशन कर सकते हैं ठीक है अब अपने पास सोल्यूशन है जिसमें एक सॉलिड है दो लिक्विड है ओके okay? तो मैंने फिल्टर कर लिया तो प्राइमरी को मैंने रिकवर कर लिया एज सॉलिड ठीक है ना तो प्राइमरी एज रिकवर्ड एज सॉलिड फिल्टर करने के बाद उसको ड्राई करूँगा मैं तो मेरे को मिलेगा ये दैट इज द ऑगामिक एस्टर या ऑग्जामिक अमाइड बेसिकली या ऑग्जामाइड फ्रॉम प्राइमरी अमीन इजेंटे तो ये मेरे को एज अ सॉलिड स्टेट में मिलेगा अब इसको मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता हूँ हाइड्रोलाइज करता हूँ के ओ एच के साथ वी गेट प्राइमरी अमीन बैक एज वेल एज़ पोटेशियम ऑग्जामाइड ठीक है ये पोटेशियम ऑगजामाइड भी अपने को मिल रहा है ओके नॉट ऑक्जामेट सॉरी पोटेशियम ऑक्जामेट ठीक है या फिर पोटेशियम ऑक्जालेट बोलना पड़ेगा इसको दिस इज पोटेशियम ऑक्जालेट ठीक है सो वी गेट प्राइमरी अमीन बैक तो इस तरह से अपन ने प्राइमरी अमीन को सेपरेट कर दिया ठीक है अगेन रिपीट देखो क्या कर रहे हैं अपन स्टार्टिंग से ओके okay? रिएजेंट है अपना डायथिल ऑक्जालेट डायथिल ऑक्जोलेट अगर प्राइमरी प्राइमरी अमीन सेकेंड्रियटर चीज तीनों एक ही इसमें है मिक्सचर ही है तीनों का प्राइमरी एमिन अपने को ये सॉलिड बनाएगा ओके सेकेंडरी अमीन ये लिक्विड बनाएगा और टर्शरी अमीन नो रिएक्शन तो प्राइमरी का ही सिर्फ सॉलिड बना उसको मैंने फिल्टर करके निकाल दिया प्राइमरी को और उसको फिर के ओ के साथ रिएक्ट किया तो अपना प्राइमरी एमीन अपने को वापस मिल जाएगा ओके okay? तो प्राइमरी एमीन अपना प्यूरीफाई हो गया है बेसिकली सेपरेट हो गया है अब जो बचा है सोल्यूशन में वो क्या है सेकेंडरी अमीन का एस्टर विच इज़ ऑग्जामिक एस्टर ये बचा है सोल्यूशन में और टर्शरी अमीन भी सोल्यूशन में अभी बचा है ओके ये दोनों सोल्यूशन में बचे हैं तो अब मेरे को ये दोनों को सेपरेट करना है तो मैं डिस्टिलेशन करूँगा ठीक है दोनों लिक्विड है दोनों के बॉयलिंग पॉइंट में फर्क रहेगा टर्शेरी uh, अमीन का बॉयलिंग पॉइंट कम रहेगा तो ये पहले आएगा ओके और सेकेंडरी ये जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा तो ये सेकंड आएगा तो डिस्टिलेशन से मैं इनको सेपरेट कर सकता हूँ तो मेरा देखो डिस्टिलेशन से सेपरेट किया तो मेरा टर्शरी अमीन भी सेपरेट हो गया अभी अब बचा क्या है सिर्फ सेकेंडरी अमीन का एस्टर ये बचा है उसमें और उसको मेरे को सिर्फ कन्वर्ट करना है फिर से के ओए के साथ रिएक्ट कर दूंगा तो मेरे को सेकेंडरी अमीन मिलेगा इसमें वापस एंड अगेन यू गेट पोटेशियम ऑक्साइलेट क्लियर है क्या इस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी मैं सेपरेट कर रहा हूँ ये समझ में आ गया क्या एंड द लास्ट वन मेथड इज हिंसबर्ग मेथड हिंसबर्ग मेथड में अपन हिंसबर्ग रिएजेंट यूज़ करते हैं द रिएक्शन इज सिमिलर टू द रिएक्शन वी डिस्कस्ड अभी जो आइडेंटिफिकेशन वाली जो रिएक्शन देखी थी उसी तरह का रिएक्शन है सिर्फ इसको अपन मतलब इसको अपन क्या कर रहे हैं ये कर रहे हैं एज अ यूजिंग एज अ सेपरेशन टेक्निक ठीक है ना दैट्स ऑल वी आर डूइंग बेसिकली रादर देन आइडेंटिफिकेशन वी आर एक्चुअली यूजिंग इट एज अ सेपरेशन टेक्निक सेम रिएक्शन तो अगेन यू टेक दैट बेनजिन सल्फोनियल क्लोराइड दैट इज द हिंसबर्ग रिएजेंट तो वी टेक प्राइमरी अमीन बेनजिन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर दिया विच इज बेंजिन सल्फोनिक क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड तो अपने को सल्फोनमाइड मिलेगा विच इज़ सॉल्युबल ओके सेकेंडरी अमीन क्या देगा इनसोलिबल प्रिसपिटेड देगा टर्शरी अमीन इट इज ऑल्सो इनसोल्यूबल एंड इट इज गोइंग टू बी अनरिएक्टेड ठीक है सो दो इन्सोलिबल मिल गया अपने को एक सोलिबल मिल गया इनको मैं सेपरेट कर सकता हूँ आसानी से ठीक है या फिर मैं पार्टीशन कर सकता हूँ क्योंकि इनकी सबकी सोलिबिलिटी अलग अलग है ठीक है तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ ओके okay. तो अपना जो सोल्यूशन है उसमें मिक्सचर है वन टू एंड थ्री मतलब प्राइमरी का सल्फोनामाइड सेकेंडरी का टर्शर सल्फोनामाइड एंड टर्शरियामी ये तीन है अपने सोल्यूशन में बाकी उसे तो कोई काम नहीं है अपने को ये तीन है इनको अपने को सेपरेट करना है ओके okay. तो इनको सेपरेट किया जा सकता है ओके यूजिंग देयर सोल्यूबिलिटी प्रॉपर्टी ओके जो कंपाउंड वन था अपना प्राइमरी का सल्फोना दैट इज एक्चुअली सोल्यूबल इन वाटर इज इट दैट इज एक्चुअली सोल्यूबल इन वाटर बट इट इज़ नॉट सोल्यूबल इन ईथर ठीक है कंपाउंड टू एंड थ्री दीज आर इन सोल्युबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ईथर या तो ये प्रॉपर्टी अपन ये कर सकते हैं तो क्या करेंगे सोल मतलब वन टू एंड थ्री ऐसे दो फ्रैक्शन अपन सेपरेट कर सकते हैं ओके एक फ्रैक्शन जो वाटर में सोल्यूबल है दूसरा फ्रैक्शन जिसमें टू और थ्री है ये ईथर में सोल्यूबल है ठीक है और ईथर और वाटर सोल्यूबल नहीं हो सकता है तो अपन पार्टीशन कर सकते हैं यहाँ पे ठीक है so, सो ईथर इज एडेड जो सोल्यूशन था अपना उसमें अपन ने क्या कर दिया ईथर एड कर दिया ठीक है अब अपने सोल्यूशन में वन टू एंड थ्री था ओके टू एंड थ्री ये ईथर में चले जाएगा ओके और जो वन है ये एक्यूस फेज में ही रहेगा एक्स सोल्यूशन में ही रहेगा ओके okay? और फिर अपन इसको सेपरेटरी फनल में ट्रांसफ़र कर देंगे और पार्टीशन कर देंगे ठीक है तो ये इस तरह से रहेगा सो दिस इज पार्टीशन बेसिकली ओके लिक्विड लिक्विड पार्टीशन ये इस फनल को अपन बोलते हैं सेपरेटरी फनल ओके इसका देखो नैरो टीप होता है बेसिकली ओके यू कैन सी दैट और ऊपर थोड़ा ब्रॉड होता है ओके okay. सो so, इसको अपन आ, क्या दिया? इस कर दिया पूरा जो अपना सोल्यूशन मिक्सचर था वो इसमें ट्रांसफर कर दिया विच इज़ दैट और फिर ऊपर से ईथर डाल दिया ठीक है ना ईथर और वाटर डिजॉल्व नहीं होता है ठीक है लेकिन जो फर्स्ट फ्रैक्शन था दैट इज गोइंग टू बी सोल्यूबल इन एक्ुएस लेयर क्योंकि देखो ईथर इज़ लेस डेंस तो ये टॉप पे रहेगा वाटर इज मोर डेंस तो ये बॉटम में रहेगा तो ये एक्ुएस लेयर है एंड दिस इज ईथर लेयर ऑर्गेनिक लेयर भी बोल सकते हो तुम इसको ठीक है एक्यूएस लेयर में रहेगा कंपाउंड वन अमाइड, ओके प्राइमरी का अमाइड। और इसमें कंपाउंड टू विच इज सेकेंडरी का अमाइड प्लस टर्शरी अमीन ये इसमें आ जाएंगे इथर लेयर में बिकॉज दे आर सोलेबल इन देयर ठीक है सो दैट्स ये पार्टीशन हो गया अब अपन क्या करेंगे टैप को ओपन करेंगे और ड्रेन करेंगे कब तक बिल्कुल ये लेवल आने तक ठीक है ना तब तक उसको ड्रेन करेंगे तो जो अपने को लिक्विड मिला है दैट इज बेसिकली इन एक्स लेयर इसमें क्या है एक्यूएस लेयर में कंपाउंड वन है इट तो ये मेरे को मिल गया एक सेपरेट और जो बचा है टॉप वाला वो अपन सेकंड इसमें निकाल लेंगे या फिर इसको अपन ऊपर से भी पोअर कर लेंगे ऊपर से ऐसा पोअर कर दिया तो ऊपर वाली लेयर भी निकल जाएगी जिसमें टू एंड थ्री है ठीक है इथर्ड लेयर में सोमया so, वन इज सेपरेटेड फ्रॉम टू एंड थ्री एक को अपन ने सेपरेट कर दिया टू एंड थ्री से अब टू और थ्री इनको सेपरेट करना है तो इसको अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या इवन सिंपल डिस्टिलेशन से अपन सेपरेट कर सकते हैं टू एंड थ्री को क्लियर है तो इस तरह से मैंने वन टू एंड थ्री यूजिंग हिंसबर्ग रिएजेंट ओके यूजिंग हिंसबर्ग मेथड मैंने सेपरेट कर लिया वन प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी को और फिर उसको रीजनरेट करना है अपने को तो रीजनरेट अपन हाइड्रोलिसिस से कर सकते हैं ओके okay? प्राइमरी को प्राइमरी जो सल्फोनामाइड था उसमें अपन देखो एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिड ऐड कर दिया तो इसमें से अपने को प्राइमरी अमीन मिलेगा सेकेंडरी वाला जो सल्फोनामाइड था उसको भी मैं इसी तरह से एच ऐड करके सेकेंडरी अमीन बना लूँगा टर्सरी तो जैसे कि वैसे ही था इसमें तो कोई चेंज आया नहीं था तो ये जैसे कि वैसे ही अपने को मिलेगा ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विथ हिंसबर्ग रिएजेंट टू फॉर्म प्रोडक्ट सोल्यूबल इन एन ओ बताओ ओके इसका जो आंसर है दैट इज ए ठीक है प्राइमरी अमीन ये अपने को देता है जब अपन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं इन एन एच वट वी गेट इज अ प्रोडक्ट दैट इज सोल्यूबल इन एक्ुएस सोल्यूशन ठीक है NOH, solution, ना सो so ये देखो इसका आंसर ठीक है प्राइमरी अमीन ये अपन रिएक्ट कर करें देखो हिंसबर्ग रिएजेंट प्लस एन ओ एच एन ओ एच के साथ रिएक्ट करने के बाद हमने को सॉल्ट मिल रहा है क्योंकि एन ओ एच क्या कर रहा है जो हाइड्रोजन था यहाँ पे लगा हुआ वो निकाल दिया तो उसका सॉल्ट बना दिया उससे वाटर बना है ना ओके दिस इज बेसिकली एन एसिड ठीक है इसका जो कॉन्जुकेट एसिड है दैट इज एन एसिड और ये एनओ एच के साथ रिएक्ट होके सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है ओके सेकेंडरी अमीन में हाइड्रोजन नहीं है निकालने के लिए तो ये एन ओ एच नहीं निकाला यहाँ पर एक्चुअली गलती हुई है ये तुमको ध्यान में आना होगा ओके सो देर इज देर इज़ नॉट सपोज टू बी अ हाइड्रोजन देयर ओके दैट इज़ अ टाइपिंग मिस्टेक सो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है निकालने के लिए तो ये रिएक्ट नहीं होगा ये इंसोल्यूबल रहेगा और ये भी इंसोल्यूबल रहेगा ठीक है दिस इज गोइंग टू बी ओनली वन दैट इज एक्चुअली सोल्यूबल समझ में आया ना इसीलिए देखो ये सोल्यूबल है एक्यूएस में ओके okay, ये दोनों इंसोल्यूबल है जब इथर डालूंगा तो ये दोनों जो है टू एंड थ्री दे आर गोइंग टू डिजोल्व इन ईथर लेयर और इसी को अपन फिर सेपरेट करते हैं और फिर ये जो सल्फोनामाइड्स है इनमें अगर मैं एच सी एल एड करता हूँ तो ये रिजनरेट करते हैं अपने को अमीन्स करस्पॉन्डिंग अमीन्स वापस मिल जाएंगे ओके सो दैट इज़ बेसिकली द एंड ऑफ अमीन्स चैप्टर एंड दैट इज़ द एंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री समझना फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री यहाँ पे अपनी ख़त्म होती है